Hey guys, welcome back to my channel. Hey channel. तो जी मुखिया आ गया आपका. हाँ तो कल लेट आए थे ना, तो आप लोगों को गुस्सा आ रहा था ना. कुछ लोग लिख रहे थे कि हम आपसे बात नहीं करनी, बहुत वेट कराते हो. तो हम आ गए टाइम पे. ठीक है, बस पीछे जो है वो मधुर संगीत का आनंद हमको आज नहीं उठाना है भाई. टाइम भी वैसा ही है, और ऐसे ही वक्त पे हम जब रीडिंग करते हैं ज़्यादातर जो है बहुत खूबसूरत सी मधुर ध्वनि का आनंद होता है, आपको भी पता है. तो हम ऐसा कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हैं. लेकिन पता नहीं, इस टाइम वीडियो बना तो रहे हैं और पता नहीं आगे क्या होगा. वैसे भी आपको तो पता है, तो जब जब जो जो होना है तब तो वो होना है. हमारे भाई हमारे हिसाब से थोड़ी दुनिया चलती है. जिसको आना है, जिसको शोर मचाना है, वो तो मचाएंगे ही. तो ये है. अच्छा हाँ, अरे हमने आपको कुछ काम दिया था ना, आप लोगों ने किया नहीं. मुखिया जी की बात नहीं मानते हैं आप लोग हैं. हमने आपको एक काम दिया था, हमने आपको एक बोला था ना कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पेज मिलेगा, इंस्टाग्राम का पेज. ठीक है, उसको जाके बस फॉलो कर लेना है. अरे भाई, नया नया किसी का बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो एक पेज है, उस पेज पे फॉलोअर्स बढ़ेंगे जितने, तो ग्रोथ उस पर्सन की बढ़ती है. ठीक है, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा इस चीज़ से? दुआ मिलेगी भर भर के, क्योंकि आप किसी को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हो, अपना योगदान दे रहे हो. देखो ना, तो वो आपको कुछ पैसे दे रहे हैं, ना आप उनको कोई पैसे दे रहे हो, लेकिन आप एक तरह से किसी को आगे बढ़ने में एक हेल्प कर रहे हो. ठीक है, ग्रोथ में मदद कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी. तो बल्कि आपको तो रिटर्न में दुआ भी मिल रही है, बताओ हैं. और आपको तो पता है ना, आजकल फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलती, लेकिन आपको तो दुआ मिल जाएगी, है ना. तो प्लीज़ ये हमारी रिक्वेस्ट है. थोड़ा सा उनका जो पहुंच है वो बढ़ना चाहिए आगे, उसको आगे उसकी ग्रोथ में, किसी की प्रोग्रेस में. ठीक है, सो हमारे सो कॉल्ड TL, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मर TL. ठीक है, तो प्लीज़ ग्रोथ उनकी होनी चाहिए, उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया है. तो प्लीज़ आप थोड़ा हेल्प कीजिए उनको. ठीक है, और दूसरी बात, इंस्टाग्राम का जो पेज है, वो लिंक है ना, वो आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. थोड़ी एक्सप्लोर कीजिए, नया नया बिजनेस है भाई, है. तो टी शर्ट्स का काम है, और हमने आपको बोला था कि मर्चेंडाइज है खुद का, और बस खुद का कस्टमाइज आप अपना डिज़ाइन भी दे सकते हो उनको. वो आपको उस हिसाब से मीशो पे भी अवेलेबल है अभी, और इंस्टाग्राम के पेज से डायरेक्ट उनको व्हाट्सअप करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं. अलग अलग कलर्स पे आपको टी शर्ट्स मिल जाएंगी. भाई टी शर्ट्स तो डेली बेसिस पे पहनने योग्य चीज़ें होती है, और आप अपने भाई के लिए खरीद सकते हैं, अपने लिए खरीद सकते हैं, है ना. यूनिसेक्स टी शर्ट्स हैं, तो कोई भी खरीद सकता है. तो ये है अभी तक अपडेट. गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी दिवाली है, देखो है, तो अच्छा रहेगा. और क्या कहना था, हाँ धनतेरस से याद आया, धनतेरस है, कल है या परसों है, जो भी जैसा भी है. कमेंट करके ज़रा हमको धनतेरस का ज़रा शुभ मुहूर्त बता दीजिएगा. ठीक है, ये काम हम भी मुखिया ने आपको सौंपा है, क्योंकि मुखिया के पास ना इतना टाइम नहीं है. मुखिया बहुत थक गया है, हैं, घर साफ करते करते मुखिया थक गया है. मुखिया किसी दिन मरमरा जाएगा. ठीक है, तो कुछ काम आप भी कर लो. कमेंट करके हमें ना धनतेरस का शुभ मुहूर्त बता देना. बेसिकली हमको कुछ वो बर्तन खरीदने हैं. अभी हमको, हमने मम्मी ने हमको बताया कि धनतेरस में स्टील के बर्तन खरीदना शुभ नहीं है. अरे क्या खरीदें बताइए, क्या खरीदें, चीज़ें तो इतनी महंगी हो रही है, और स्टील के बर्तन भी कोई सोने चांदी से कम थोड़ी आ रहे हैं. एक एक कढ़ाई बताओ, 3,000 3,500 की कढ़ाई, उसमें आप खाना बनाएंगे? कौन से हीरे जवाहरात लगे हुए हैं उस खाने में? बनेगा तो वही घिया तोरी टिंडा, 3,000-4,000 की कढ़ाई में. भाई साहब कितना महंगा हो रहा है, चीज़ें हैं. खैर जो भी है, हाँ धनतेरस का शुभ मुहूर्त बताइएगा, और हमको ये भी बता दीजिएगा कि क्या क्या खरीदना रह सकता है, लेकिन महंगा ना हो, हैं, जो 1,000-2,000 में चीज़ें आ जाए, मतलब 500. देखो धीरे धीरे कम पे आ गए ना, यही हमारी औकात है ना, यही. तो कम दाम पे जो अच्छी चीज़ हो, जो खरीदने से थोड़ा घर में मंगल आए, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें बताइएगा, और आप भी खरीदिएगा. ठीक है, आप भी खरीदिएगा. तो चलिए चलते हैं रीडिंग करने. और रीडिंग का टॉपिक आज आकांक्षा वाजपेयी की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि 2-3 दिन से शायद उनकी रिक्वेस्ट आ रही है कि कर्मा बिलीवर्स का आप शैडो साइड का रीडिंग कर दो, शैडो साइड का रीडिंग कर दो. मतलब ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं, बेसिकली आप उनको नेगेटिव ट्रेड्स पे नहीं कह सकते, लेकिन हर इंसान का एक शैडो साइड होता है.
मतलब आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी और आपका जो एक शैडो साइड, जो आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं होती है लेकिन शायद आप प्रिटेंड करते हैं, लोगों को दिखाते फिरते हैं, उस पे आपको वर्क करना है। तो बेसिकली एक शैडो साइड की हम एनर्जीज चेक करने वाले हैं आप लोगों की, ठीक है। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं रहेगी, छोटी सी रीडिंग रहेगी, तो आराम से इत्मीनान से बैठ जाओ, इंजॉय करो रीडिंग को और फिर उसको जो है रिलीज़ कर देना, ठीक है, लेट गो कर देना, यहाँ पे छाती में थोपने का नहीं। और दूसरी बात, नहीं दूसरी कोई बात नहीं है, रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी कोई बात नहीं है। तो इस्तेमाल कर रहे हैं राइडर विद टैरो डेक, ठीक है, और रीडिंग आपको टॉपिक तो बता दिया ना। हाँ टॉपिक, तो चलो। और सुनो एक बात, और एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़रूरी सूचना है, ठीक है। देखो पहली बात, 555 देखा हमने अभी अभी कैमरे पे, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज तो भाई है, परिवर्तन तो हर किसी की ज़िंदगी में है और आता ही है, हर रोज़ ही परिवर्तन है। अरे बताओ, आज आप टिंडा खाओगे, कल आप फिर टिंडा खा लोगे, और खा भी लोगे, चलो बासी खा लिया, लेकिन परसों फिर टिंडा खाओगे, चलो 3 दिन 4 दिन बाद एक बार तो तोरी और घिया बनाओगे ही, तो परिवर्तन ही है ये भी, है रोज़ रोज़ पूरी ज़िंदगी टिंडा तो नहीं खा सकते आप देखा परिवर्तन। हाँ, तो ज़रूरी सूचना जो हम बताने वाले थे वो ये है कि देखो, टैरो रीडर्स ये हमारे, हम अपने बारे में नहीं कह रहे, ना ही हमारे को किसी ने ऐसा कोई कमेंट किया है। कल हम किसी और का ना एक रैंडम सा टैरो रीडिंग का किसी का देख रहे थे, और बाहर की टैरो रीडर है कोई, ठीक है, हम उनकी टैरो रीडर देख रहे थे, ओ सॉरी टैरो रीडिंग देख रहे थे, और जेंट्स है, मतलब नॉट अ फीमेल। सो एक फॉरेनर है और इंग्लिश में रीडिंग्स डिलीवर करते हैं, और हम उनकी रीडिंग्स देख रहे थे, और उनके जो फॉलोअर्स हैं करीब 1-1.5 लाख समथिंग है, बट 1 लाख से ऊपर ही हैं, और उनके कमेंट्स भी करीब 700-800 तक कमेंट्स आ जाते हैं उनके उस पर, ठीक है। तो एक चीज़ और देख रहे थे, मतलब हमने क्या देखा कि, और उनके जो व्यूज़ जाते हैं ना एक एक वीडियो पे, ठीक है, उनकी वीडियोस 2 या 3 दिन में एक बार आती है, और उनके जो व्यूज़ जाते हैं एक एक वीडियो पे वो 37K, ठीक है, 95K, आप समझ रहे हो व्यूज़ का जो वो है, मतलब 30 से लेके 70 के तक का उनका डेली बेसिस का, जो मतलब डेली या 1 दिन 2 दिन छोड़ छोड़ के वो वीडियो करते हैं, तो 30K से लेके 70K तक के वीडियोस उनकी व्यूज़ जाते हैं। तो आप खुद सोच लो, कहाँ हम 1700 पे, उनके 17,000 पे, ठीक है। तो 70,000 और 17,000, हम तो मतलब 17 पे 1700 सॉरी 17,000 भी नहीं हुए हमारे, बताओ 1700 1500 ऐसे तो व्यूज़ आते हैं हमारे, बट कोई नहीं, हम ठीक है। हमको जो बात बतानी है वो ये है कि हमारे व्यूअर्स, कर्मा बिलीवर्स पे जो रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियोस देखते हो, ठीक है, 1700 लोग अगर आप देख लो, 1700 पीपल, ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर वीडियो आपसे रेजोनेट हो, लेकिन उनमें से किसी अगर 17 लोगों को, 1700 में से अगर 17 लोगों की भी लाइफ में वो चेंजेस आते हैं, तो उसमें हिंसा नहीं करनी है। हिंसा मतलब बंगाली में हम लोग उसको हिंसा बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है कि भाई फलान की लाइफ में ये हो रहा है, हमारी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा। कलेक्टिव रीडिंग होती है, ठीक है। अब हमने उस टैरो रीडर की रीडिंग देखी, और बिकॉज आई एम अ सब्सक्राइबर, और 100 में से 70% रीडिंग्स रेजोनेट हमारी भी हो जाती है, मैच करती है उनकी एनर्जीज से। तो देखने का मतलब ये है कि किसी ने, एक अंग्रेज़ मतलब फॉरेनर ने ही, समवेयर समबडी कमेंटेड ऑन हिज वीडियो कि योर वीडियोज़ डजेंट रेजोनेट एनी मोर, ठीक है, एनी लॉन्गर, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू वॉच योर वीडियोज़, ठीक है यार। और वहीं पर वो एक ही कमेंट था, और उस कमेंट को मतलब लोगों ने ऐसे जकड़ लिया, पकड़ लिया, मतलब उस कमेंट पे लोगों ने 25-30 लोगों ने कमेंट कर दिया कि नेगेटिविटी मत फैलाओ, तुमसे रेजोनेट नहीं हो रही लेकिन हमसे हो रही है, हमारे अलावा दूसरे लोगों से भी हो रही है, तुमको दिक्कत है तुम यहाँ से जाओ, ठीक है। किसी कोई टैरो रीडर को, किसी एम्पैथ को ट्रिगर मत करो, परेशान मत करो। सी वो 30 लोग लड़ गए, और उस टैरो रीडर का एक भी कमेंट नहीं था, क्योंकि उसने सोचा
आपस में लड़े मरे हमको क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी करे यार। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जिस पर्सन ने ये कमेंट किया उसको तो सबने बहुत अच्छे से छीला है भाई, उसको अच्छे से छीला भी है। कई लोगों ने लिखा है कि बीप करके बैड वर्ड्स भी यूज़ किए हैं, ठीक है, ऑफ डैश ऑफ और पता नहीं क्या बोला उसको उसको उसको, और वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही है बेसिकली, ठीक है, अच्छी खासी ज़बानी लड़ाइयाँ चल रही है। लेकिन हमने ये सोचा कि ऐसा कमेंट करने का क्या, अरे कोई बात नहीं, रेजोनेट नहीं हुई, ज़रूरी है कि उसको कमेंट करके बोलना है कि तेरी रीडिंग हमसे रेजोनेट नहीं हो रही? बोलना ज़रूरी है? मतलब ये है कर्मों में लिखा हुआ है क्या ये, मतलब कर्मा में, आपके कर्मा में ये लिखा हुआ है कि हमको ये काम करना ज़रूरी है, उसको उसको किसी को काम उसका रेजोनेट नहीं हो रहा तो हमको जो है उसको बोलना है? क्यों भाई क्यों, नहीं रेजोनेट हो रही कोई बात नहीं छोड़ दो। सारे ज्योतिषी क्या बिल्कुल परफेक्ट प्रेडिक्शन देते हैं? ज्योतिषियों की बात करें, एस्ट्रोलॉजर्स, हाथ दिखाते हो आपका बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल 100% बताते हैं, एकदम करेक्ट। कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा, नहीं हम ऐसे नहीं हैं, ऐसा तो नहीं है हमारी लाइफ में, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो गलत होता ही होगा। हमें ये नहीं समझ में आता कि इतना मैच्योरली लोग हैंडल क्यों नहीं करते हैं सिचुएशन। 11-11 देखा हमने, अरे यार क्या ज़िंदगी भर वही किंडरगार्टन वाली बचकानी हरकतें करती, शोभा थोड़ी देती है। जाहिर सी बात है जिसने कमेंट किया था कोई 4-5 साल का बच्चा तो था नहीं, है ना, मैच्योर है। तुम्हारी रीडिंग्स हमसे रेजोनेट नहीं होती, हमको पागल बना रहे हो, रोज़ रोज़ तुम्हारी वीडियोस आती है, कुछ भी रेजोनेट नहीं हो रही। अरे भाई किसी और से रेजोनेट हो रही है, तुम वहाँ पे क्यों अपना वर्डिक्ट देके उसको क्यों पागल बना रहे हो यार? बाकी लोगों में भी नेगेटिविटी आ गई, वहाँ पे भी लोग लड़ मर गए, बताओ आपस में भिड़ गए एकदम, कमेंट्स की बौछार, और अभी भी जारी है। जब हमने देखा था उसमें 30 कमेंट्स लोग आपस में लड़ रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे उसमें 55-56 कमेंट्स चले जा रहे हैं, मतलब आपस में ज़बानी लड़ाई अभी भी जारी है। क्या ज़रूरत है यार, क्या ज़रूरत है, कर्मा ख़राब हो रहा है, बाकियों के भी कर्मा ख़राब कर दिए उसने। हैं लोगों को नहीं समझ में आता कि इस चीज़ में किस चीज़ में चूक कर, हाँ तो क्या कह रहे थे हम, चेन सही करा लो, ठीक है, चेन सही करा लो, यही सुनाई दे रहा है हमको, हमको कुछ पता ही नहीं हम क्या बात कर रहे थे, बताओ। हाँ रीडिंग, रीडिंग हमारी रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती ना तो परेशान नहीं होना है यार, हार्ट अटैक थोड़ी ले आना है, परेशान नहीं होना है, रिलीज़ कर दो कि मिनी ने आज जो रीडिंग की है हो सकता है किसी और की एनर्जीज होगी। कर्मा बिलीवर्स की तो फैमिली है ना, मिनी के 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 1700-1800 लोग देख रहे हैं, ज़रूर मिनी ने किसी की एनर्जीज ग्रैब की होगी। आज की रीडिंग हमारी रीडिंग नहीं है, बस सिंपल, नहीं परेशान करना है, बोलना है तुम्हारी रीडिंग मैच नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, फलान ये वो, गलत बात। ठीक है तो ये है, चलो अब शैडो साइड में वो करते हैं आपका रीडिंग। वैसे तो ये हमारा शैडो साइड ये है, ठीक है, ये जो हम परेशान होते हैं ना रीडिंग के टाइम पे, डिस्ट्रैक्शन होता है हमारा, ये नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, हमसे नहीं बर्दाश्त होता यार, हम अभी भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। पहले तो शुरू शुरू में तो हमारा खून खौल जाता था, उबल जाता था, लेकिन अभी खून उबलता नहीं है, ठंडा ही रहता है, लेकिन हाँ इरिटेशन अभी भी होती है। चलिए शैडो साइड की रीडिंग करते हैं। हमको ना ज्ञान मत दीजिए, ठीक है, हमारा ज्ञान जो हम दे रहे हैं मुफ्त में, वो लेना है लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन कृपया आप हमें ज्ञान ना दें। आपका मतलब आपका, हम जो एड्रेस कर रहे हैं ना उन लोगों से बात कर रहे हैं जो ज्ञान देने आते हैं, ठीक है, कि आप अपने मन की बात का एक अलग से वीडियो बनाया कीजिए मोदी जी की तरह, ठीक है, हम अपने मन की बात उसी वीडियो में बनाएंगे, उसी वीडियो में बोलेंगे जो हम वीडियो बनाते हैं, अलग से कोई मन की बात की वीडियो नहीं चलेगी, जिस वीडियो में टैरो रीडिंग होती है वहीं पे हम अपने मन की बात रखेंगे, ठीक है। हमारा चैनल, हमारा थोबड़ा, हमारी जबान, और ये हमारा मुंह, और हम बोलेंगे हाथी चले बाजार, ठीक है, बाकी की वो फिल इन द ब्लैंक्स खुद भर लेना। सागर भाई नमस्ते, सागर भाई है ना, बाकी हमारे कर्मा बिलीवर्स भी कोई कम थोड़ी हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हार श्रृंगार के फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पता नहीं।
हमारे सामने गणपति जी की मूर्ति में बहुत सारे श्यूली फूल बोलते हैं बंगाली में, श्यूली, ठीक है। अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ये फ्लावर्स खिलते हैं और हमारे उसमें रखे हैं हार श्रृंगार के फ्लावर्स, आपने देखे होंगे शायद। दिखाते हैं हम लोग को एक फूल उठा के भगवान जी के यहाँ से, ऐसा दिखते हैं, ठीक है। और इसके ऑरेंज कलर की वो होती है पकड़ने वाली, वो जो स्टिक है, और ये ऐसा दिखता है फ्लावर। और इसमें भगवान जी, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है भाई साहब, बहुत अच्छी खुशबू आती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आउट ऑफ द ब्लू सडनली आपको ये फ्लावर कहीं पे दिखता है, समझ लीजिए कुछ स्पेसिफिक आपके लाइफ में होने वाला है अच्छा, ठीक है। फ्लावर्स कभी भी कुछ बुरा नहीं लेके आएंगे। फ्लावर्स आपके लाइफ में, अगर आपको कोई फ्लावर्स दिखते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। वैसे भी फ्लावर्स का सीज़न है, अब तो सर्दियां हैं तो बहुत सारे फ्लावर्स, पिटूनिया, पैंजी एंड वर्बीना, ठीक है, बहुत भर भर के रोज़ेस, ये सब फ्लावर्स का सीज़न होता है। तो आपको कोई भी फ्लावर्स दिखे आपके, समझ लीजिए कि कुछ बहुत बेहतरीन आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, और माइट बी पॉसिबल ज़्यादातर लोगों के लिए सम काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इज़ अबाउट टू ब्लॉसम, ठीक है, आपकी लाइफ में। और स्पेशली स्पेसिफिकली श्यूली फूल, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, हार श्रृंगार बोलते हैं। तो ये फ्लावर अगर आपको कहीं पे दिखता है तो कुछ अच्छा है, ठीक है, कुछ अच्छा है, हमको बहुत फील हो रहा है इंटूटिवली। सो जिसके लिए भी है भाई मैसेजेस, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स टू यू, ओके। शेडो साइड की रीडिंग, पहला कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स नहीं आया, नहीं है, जस्ट फ्लिप हो गया था, दिखाई दिया। किंग ऑफ कप्स, इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिए, जो मैसेजेस आए हैं वो तुम बताएंगे ही, ठीक है। इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिए जल्दबाजी में, थोड़ा चीज़ों को ठहर के, सोच के, समझ के, ठीक है। शेडो साइड पे वर्क करना है ना आपको, तो वही बता रहे हैं। दूसरा कार्ड हमें दिखाई दिया किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो लाइफ को लेके हर समय आपकी इमोशनल अप्रोच से ज़िंदगी नहीं चलती है, ठीक है। ओवर गिविंग, ठीक है, अपनी इमोशंस का जग जाहिर, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होना है आपको। ट्रांसपेरेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा, हमने बोला ना हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, वही तो मेंटेन करना है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये शैडो साइड हो सकती है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अब हम कार्ड्स लेंगे, ओके, जो भी आएगा। अरे उछल के आया है भाई साहब, ठीक है, ये क्या हाल बनाया है। पहला कार्ड भीष्म पितामह का, हाँ। तो औंधे मुंह गिर गए हैं और पीछे से तलवारें गड़ गई, ठीक है। इस कार्ड को देख के जो चीज़ें हमें पहले शैडो साइड पे समझ में आया है, पहला जो थॉट आया है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, वैसे हमें नहीं लगता है कि हमारे कर्मा बिलीवर्स में ये शैडो साइड होगी कहीं, लेकिन हाँ आप लोगों में से बहुत सारे लोग देखते हैं ना, तो किसी ना किसी की एनर्जीज तो आई होंगी। देखो हमने ग्रैब की होगी, हो सकता है वो पहली बार आज ही शायद इस वीडियो को देखें, कोई एक नया प्राणी अचानक से आउट ऑफ द ब्लू हमारी वीडियो पॉपअप हो गई और आप देख रहे हैं, तो जो भी आप हैं, ठीक है, अगर आप कोई नए प्राणी हैं, स्पेशली शायद पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं दोस्त, ये शैडो साइड आपकी है, जिससे भी हम बात कर रहे हैं ये आपकी शैडो साइड है। और इसमें हमको क्या समझ में आ रहा है, वो ये है कि किसी ने अगर आपको पेन दिया है, उसके प्रति ना रिवेंज की भावना ना रखें, एक रेज वाली जो आपकी भावना रहती है ना, किसी से तो हम बात कर रहे हैं, आप लोगों में से किसी की तो एनर्जीज है ऐसी, जो शायद इस पेन पे ना बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही पड़े रहते हैं और ये सोचते हैं कि कोई उठाने आएगा हमको, बस पड़े हैं, मुँह भी नहीं दिखाया, बताओ उधर ही पड़े हैं मुँह टेढ़ा करके और ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ज़िंदगी भर के ऐसे ही पड़े रहना है, कभी तो उठोगे, पहली बार कोई नहीं उठाने आएगा, आपको खुद ही उठना पड़ेगा, ठीक है। बैक स्टैबिंग अगर आपकी लाइफ में हुई है, दूसरा जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि रिवेंज लेने के लिए अपने आप को इतना मेंटल टॉर्चर मत कीजिए, इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि रातों रात आपकी नींद उड़ जाए और रात को सुबह शाम जागते हुए बस आप उस पर्टिकुलर पर्सन की बर्बादी देखना चाहें या रिवेंज लेना चाहें जिसने आपको इस
दौड़ इस मुकाम तक पहुंचाया है जहां पर आपको इतना बैक स्टैबिंग और इतनी तकलीफ दी गई है। आई कैन अंडरस्टैंड, हमारी तरफ से एक वर्चुअल जादू की छप्पी है आपको दोस्त, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, लेकिन रिवेंज लेने का काम आपका नहीं है। कुछ चीज़ें हमें ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, टाइम टाइम की बात है। भगवान पता है क्या करता है, जो इंसान पेन देता है ना, पेन देता है, जो इंसान पेन देता है, दर्द आपको तकलीफ दे रहा है, उसको ना पता नहीं होता है कि पेन दे रहा हूँ। हो सकता है आप वो पहले इंसान नहीं है जिसको उसने पेन दिया, हो सकता है आपसे पहले भी वो ऑलरेडी किसी को पेन दे चुका है, ठीक है, आपके बाद भी वो दूसरा शिकार ढूंढ रहा हो जिसको वो पेन देना चाहता है, किसी भी प्रकार का बैक स्टैबिंग पेन, ठीक है, दर्द मतलब तकलीफ, किसी भी तरीके की तकलीफ। अब यहाँ पे एक चेन बन रही है, देखो आपसे पहले किसी को पेन वो दे के आया है, आपको दिया, फिर आपके बाद एक और शिकार ढूंढ रहा है जिसको वो पेन देगा, तीसरा शिकार उसके बाद चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, और आपने ठेका नहीं लिया है उसको सजा देने का, ठीक है, वो उसके कर्मा है, उसके कर्मा काउंट हो रहे हैं, 1 2 3 4। चित्रगुप्त का नाम सुना है आपने, पूरा बही खाता होता है ना, मुनीम जी हैं वो, हम लोगों के कर्मा देवता के मुनीम जी बोलते हैं हम उनको, ऐसे बोलते हैं, तो हमारे कर्मों के मुनीम जी ना वो हैं, बही खाते में पूरा सूद समेत आपको रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। चित्रगुप्त आपकी सारी जो है ना पाप, अच्छा आज के दिन पे इसने इतने ब्लैक बॉल्स कलेक्ट किए, नाम के साथ साथ आपके नाम के साथ साथ लिखा जा रहा है डेली बेसिस पे, आज इसने इस रास्ते पे चलते रहा चलते फालतू में इस कुत्ते को लात मारी, होते हैं ऐसे लोग, होते हैं, हमने अपनी आँखों से देखा है तभी बता रहे हैं, चलते फिरते एक डॉगी जा रहा है उसको लात मारी और कुत्ता का करते करते चला, बिना मतलब के, कुछ नहीं है, ऐसी आउट ऑफ द ब्लू लात मार दी उसको, क्या उसको लगा कि बहुत अच्छा काम किया है हमने, क्योंकि बेजुबान जानवर है, एक लात मार दी, एक किक मार दिया, उसका पूंछ खींच दिया से, ठीक है। चित्रगुप्त ने वो लिखा, फलान ने आज इस डॉगी को चोट पहुंचाई बिना मतलब के, काउंट कितने बॉल्स वो भी, और कर्मा पे वो एक काउंट, पाप, पाप का, पाप की लिस्ट, पुण्य की लिस्ट, डेली बेसिस पे उस लाइन के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिखे जा रहे हैं, समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ आ रहा है तो समझ लो, मुखिया बता रहा है, ढंग से सुन लो, ठीक है। तो आपको, आप बस, हम यही कह रहे थे कि 1 2 3 वो एक चेन बना रहा है, जो पर्सन हर्ट कर रहा है ना, पेन दे रहा है, वो एक चेन बनाता जा रहा है, और भगवान जी ना उस समय उसका पाप का घड़ा लिख भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि कब तक ये चेन बनाएगा, एक टाइम तब कभी तो स्टॉप होगा, जब वो रुकेगा ना, स्टॉप होगा कि उसमें अच्छाइयाँ भरने लगेंगी, उसको अपने वो सारे जो पाप है, वो जो चेन है ना जो उसने बनाई है एक एक करके, वो पूरा लेखा जोखा उसको उसके आंखों के सामने उसको दिखाया जाएगा, ठीक है। वो तो उड़ रहा है, भगवान ने उसकी ना वो डोर होती है ना चरखरी, पतंग होती है ना, पतंग पतंग उड़ रही है आकाश में, कितने दूर दूर तक, कितने किलोमीटर, कितने मीटर तक चली जाती है पतंग, हमारी पतंग ना बड़ी दूर तक जाती है, पता, हम पतंग उड़ाने का बड़ा शौक है हमें, तो जाती 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 है, जितना हम उसको ढील देंगे वो जाती 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 है, ठीक है। अब वो इंसान वो पतंग है, क्योंकि उसको पता है कि वो एक चेन बना रहा है, अभी भगवान ना उसकी वो चरखरी है ना वो छोड़ी हुई है कि जा बेटा उड़ उड़ और उड़ और उड़, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे वो पतंग देखा है ना, ऐसे 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 कहाँ गिरती है, पेड़ों पे गिरती है, ठीक है, फिर कहीं की नहीं रहती ना पतंग, मतलब कहने का मतलब वो इंसान भी ना वो बाद में उस जो वो कटेगी ना, एक तो ऊपर से धराशाही होकर नीचे गिरती है, सोचो कितनी चोट लगती है, पतंग को तो चोट नहीं लगी, पेपर है, लेकिन हम उस इंसान की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको भगवान ने ढील दे रखी है ना, बेटा तो अभी उड़ और उड़ और उड़, ठीक है। जैसे उसको ग्राउंड पर लाया जाएगा, खोपड़ी फट गई, सब कुछ फट गया, तो ये हालत अगर आपकी कोई कर रहा है तो इट्स नॉट यू, नॉट योर ड्यूटी टू टेक रिवेंज, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि बदला लेना है। हाँ देखो, हम इस बात से मना नहीं करते हैं कि बदले की भावना नहीं होती है, होती है यार, गुस्सा आता है, हर किसी को आता है, हमें भी आता है यार, बहुत बुरा लगता है, हम भी सोचते हैं कि यार
इसने हमारे साथ बुरा किया, इसका भी बुरा होगा। देखो ऐसा कई बार मन से निकल आता है, ठीक है, मन से इंसान के निकल आता है, लेकिन क्या पता यार वो चीज़ उसकी लाइफ में फिर वो उसके कौन, हम लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हम इसलिए बोलते हैं ना दुआएं दो, माफ़ करो, छोड़ो यार, जाने दो, बस वही है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। आप हाथी हैं ना, किसी ने आपको घायल किया, और जिसने आपको घायल किया वो कौन है आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं। आपका ये शैडो साइड है। और दूसरी बात जो हमने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है, आपको खुद ही उठ के खड़े होना होगा। अगर आप ऐसे ही पड़े रह के आप ये सोचते हैं कि कोई आएगा और आपको उठाएगा, कलयुग है भाई, कलयुग है, ठीक है, करोड़ों में, अरबों, मिलियंस में भी ऐसे शायद एक आध लोग होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिले और आपको उठाए। तो खुद ही उठ के खुद ही चलो और आगे बढ़ो, ठीक है, स्टक नहीं रहना है शैडो साइड पे वर्क करने के लिए। हमने बोला था कि ये शॉर्ट रीडिंग होगी, लेकिन टीचर है ना हम, तो क्लास तो अच्छे से लेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करने में भाई साहब मुखिया जी का जवाब नहीं है। और अब हम दूसरा कार्ड ले रहे हैं शैडो साइड पे, जिस पे आपके आपको वर्क करना है। वो शैडो साइड जिस पे आपको वर्क करना है, ठीक है। कार्ड्स ही आ रहे हैं आपके शैडो साइड है ही नहीं, मतलब कर्मा बिलीवर्स, वेरी नाइस, एक ही कार्ड आया है, कोई बात नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, मतलब आपका कोई शैडो साइड है ही नहीं। चलिए दूसरा कार्ड आया है, ओ टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ टेन ऑफ कप्स भी आया है। देखिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पीपल। आप लोगों में से बहुत सारे लोग फैमिली ओरिएंटेड हैं, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, परिवार को जोड़ के रखने की स्थिति रहती है, ठीक है, आप लोग चाहते हैं। वहीं पर क्योंकि आप लोगों की फैमिली है, परिवार है, तो परिवार के बाहर जो लोग होते हैं ना, जो सो कॉल्ड आप रिश्तेदार बोलते हैं ना जिन जिन लोगों को, परिवार के बाहर के लोग अगर कोई बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स से या अपने सिबलिंग से, देखो जिसको जिससे बात करनी है उसको उसके उससे बात करने देने चाहिए। आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ज़रूरी नहीं है कि आपकी किसी पर्टिकुलर रिश्तेदार से नहीं बन रही है तो आप अपने पेरेंट्स को मना करो कि उससे उनसे बात नहीं करनी है। लेट देम जज ना, उनको देखने दो पहले कि उनके साथ उनका व्यवहार कैसा है। यू आर नोबडी। और एक तरह से इस चीज़ को लेके ना आप लोगों को इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए जो कि हम लेते हैं, ये तो हमारे लिए ही है पक्का, ठीक है। फैमिली को प्रोटेक्टेड रखने के लिए जितना किया जाए ना उतना, मतलब हर किसी को हमेशा ऐसा लगता है कि भाई हमारी फैमिली सेफ रहे, सुरक्षित रहे। बाहर से कुछ नेगेटिविटी आती है तो आप कोशिश करते होंगे कि नहीं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको जो करना पड़े वो हम कर जाएंगे, लेकिन वो चीज़ भी आपके दायरे में होनी चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पर हमें नहीं लगता कि आप कर्मा बिलीवर्स में से कुछ ऐसे लोग होंगे, बट पता नहीं इस कार्ड को देख के ना हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग में से कुछ ऐसे लोग शायद हो सकते हैं जो, अरे कबाड़ी वाले हमें ले जाओ भाई, हमें ले जाओ, नहीं हमें तो कोई भी नहीं लेके जाएगा, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है ना कबाड़ी में, हमको कोई नहीं लेके जाएगा। वैसे ये क्या हो रहा है, टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स एंड देन टेन ऑफ पेंटिकल्स। गाइज आपकी लाइफ में तो आपके कर्मास बैलेंस हो गए हैं ऑलरेडी, शैडो साइड पे भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जीत हासिल कर ली है, फतेह हो गई है, मतलब एक तरह से आप लोगों की शैडो साइड ज़्यादा है नहीं। चित्रगुप्त आपके ना पुण्य का लेखा जोखा लिख रहे हैं, पाप का जो वो है ना वो अभी खाली जा रहा है, ब्लैंक जा रहा है, ज़्यादातर आपके पुण्य का ही लिस्ट तैयार हो रहा है। आपने अपनी शैडो साइड में बहुत वर्क किया है, ठीक है। अच्छा टेन ऑफ कप्स जो हम बता रहे थे तो यही बता रहे थे कि आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन वो हद भी
ऐसी हो जो जायज़ हो, क्योंकि पता नहीं इस कार्ड को देख के ना अचानक से हमें ऐसी फीलिंग आई, जैसे कुछ लोग ना सोचते हैं कि ये लोग हमारा बुरा कर रहे हैं ना, तो हम इन पे किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक और किसी प्रकार का उल्टा सीधा मतलब कुछ कर देते हैं, कर करा देते हैं ताकि ये हमारी लाइफ से दूर हो जाए। कभी भी आपके मन में इस तरीके के विचार नहीं आने चाहिए। गाँव वासियों, मुखिया जी का एक बात हमेशा गांठ बांध लो, कितना भी कुछ भी हो, आप कितना भी शिकार हैं, कभी भी किसी पर भी किसी प्रकार की ब्लैक मैजिक यूट्यूब से देख के यहाँ वहाँ से कुछ लेकर सीख कर वशीकरण ये सब हरगिज़ मत कीजिएगा। उसके इतने गंदे वाले नुकसान होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और फिर जब वो बैकफायर अगर आप पे हुआ ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, जो कि हम नहीं चाहते कि कर्मा बिलीवर्स ऐसा करें, और वैसे आप लोग नहीं करेंगे, बट इन केस आपका कभी ध्यान ऐसी चीज़ों में आकर्षित होता है और टेम्प्ट होता है, क्योंकि देखो कार्ड आया है तो हमको इंट्यूटिवली ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप लोगों में से अगर किसी के मन में इस तरीके के विचार आते हैं कि हम उसका जो है ये बर्बाद कर देते हैं चीज़, मत करो यार, आपका काम नहीं है। उनका कितना भी वो बुरा कर रहे हैं उनको करने दो, उनके अपने कर्मा है वो क्रिएट कर रहे हैं, और एक टाइम के एक पर्टिकुलर समय पे ईश्वर की लाठी पड़ती है और उसमें आवाज़ नहीं होती, ठीक है? तो वो लाठी आप मत पड़ी, आप मत बनिए उनकी लाइफ में, और ना ही आपको किसी प्रकार की कोई आवाज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है? ईश्वर को करने दो, ईश्वर को आवाज़ जो भी उनको करनी है लाठी मारे, जो मर्जी करे, आपका काम नहीं है। नाउ 10 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरों के धन को देख के जलना नहीं है, ज़्यादातर यहाँ पे जलन वाली ही वाइब्स है। कर्मा बिलीवर्स और ईर्ष्या, 10 ऑफ सोर्ड्स आया, 10 ऑफ कप्स आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है? 10 ऑफ सोर्ड्स में भी वही रेज वाली भावना, जिसमें बदला किसी से लेने की इच्छा, ठीक है, रिवेंज, और 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी वही वाइब्स आ रही है जिसमें दूसरों के धन को देख के जलन, ईर्ष्या कि फलान पर्सन इतना कमा रहे हैं, फलान अच्छे घर में रह रहे हैं, फलान अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, फलान की ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। अरे यार, दूर के ढोर सुहावने लगते हैं, कौन किस दौर से गुजर रहा है, हम किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है? और अगर कोई अपनी लाइफ में खुश है भी, कोई 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में है भी, धन धान्य से कोई परिपूर्ण है, उसका नसीब है यार, वो लिखवा के लाया है यहाँ पे, उसके यहाँ पे लिखा हुआ है, भगवान ने उसको धन दिया है, उसके नसीब में धन है। अब वो चाहे शॉर्टकट से कमाए, चाहे बेईमानी से कमाए, चाहे अच्छे कर्मों से कमाए, बट उसके नसीब में धन है, तो किसी के नसीब से क्या जलना है? नेक्स्ट कार्ड लेंगे, हमने आपको बोला ही था कि ज़्यादा नहीं, हम शैडो साइड की रीडिंग कर रहे हैं, तो चार या पांच कार्ड ही लेंगे, ठीक है? तो 3 कार्ड तो आ गए हैं, और 3 कार्ड में ही हमने यहाँ पे अभी तक 34 मिनट की रीडिंग कर दी। एक्सप्लेन करना पड़ता है ना यार, तो दूसरा और क्या शैडो साइड है जिस पे कर्मा बिलीवर्स को वर्क करना है? जजमेंट, शैडो साइड जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको हमेशा ये लगता है कि आप किसी के सामने प्रिटेंड करेंगे, या आप किसी के सामने हमेशा अच्छे बने रहने के लिए उनके फेवर में कुछ बोल रहे हैं, तो वो भी आपका गलत चीज़ में काउंट हो रहा है, ठीक है? जहाँ पर न्याय करना है वहाँ पे न्याय कीजिए, ऐसा नहीं कह रहे कि अन्याय जहाँ पे करना है वहाँ पे अन्याय कीजिए, अन्याय तो करना ही नहीं है ना हम लोगों को न्याय ही करना है, कि न्याय और अन्याय में फ़र्क करना तो सीखना चाहिए ना, कि कहाँ पर किस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हमको यहाँ पे फेयर, यू शुड बी फेयर इनफ, ठीक है? जिसको बोलते हैं ना कि ये चीटिंग है, तो फेयर और अनफेयर में फ़र्क समझ रहे हैं आप, तो वो चीज़ यहाँ पे जजमेंट का कार्ड बता रहा है, जहाँ पर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप हर किसी के सामने अच्छे बने या हर किसी के सामने प्रिटेंड करें, आप हर किसी के सामने अच्छा नहीं बन सकते हैं, ठीक है? लेकिन यू हैव टू बी फेयर, चाहे वो डिसीजन सामने वाले को बुरा लगे, बट यू हैव टू बी फेयर,
किसी का मन रखने के लिए या किसी को रिझाने के लिए आप गलत वर्डिक्ट नहीं दे सकते ना. यू शुड नॉट बी अनफेयर टू एनीबडी, कहने का मतलब ये है. जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है. तो चीज़ों को बहुत मेंटेन करके, बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा. लाइफ में ना आप लोग हमेशा, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, ठीक है. ये हमें बहुत देर में समझ आई है, ये बात अभी समझ आई है, मतलब इस एज में आके, इस एज पॉइंट पे समझ में आई है हमको कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते. यू कैन नॉट मेक एवरी वन हैप्पी अराउंड. लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता ना कि दूसरों को हैप्पी करते करते या दूसरों की बातों को, मतलब आप एक तरह से नज़रअंदाज भी कर देते हैं कई लोगों की गलतियों को, कि ताकि वो खुश रहे, हाँ ठीक है तुम ठीक हो, बट दैट पर्सन इज़ नॉट करेक्ट. वो पर्सन गलत कर रहा है, लेकिन आप उसका साथ सिर्फ इसलिए दे रहे हो ताकि उसको बुरा ना लगे, वो भी गलत है. अगेन यू कलेक्टेड अनदर ब्लैक बॉल, क्योंकि आपने अन्याय किया, ठीक है. उस पर्सन को उसकी गलती नहीं दिखाई आपने, काउंट हो रहा है, गलत में जा रहा है. शैडो साइड में वर्क करने के लिए आपको यू शुड बी फेयर, चाहे सामने वालों को बुरा लगे, बट आपको अपना वर्डिक्ट बहुत ही फेयरली देना है. भाई जजमेंट, जज बने हुए हो ना आप, जज की उसमें आओगे, ठीक है. कोर्ट कचहरी में हम लोग जज से क्या उम्मीद करते हैं कि जज ऐसा आप बिल्कुल करेक्ट फैसला सुनाए, अपना न्याय करें, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, शैडो साइड लास्ट कार्ड, ठीक है. वैसे कार्ड्स बहुत देर से आ रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा शैडो साइड आप लोगों की है नहीं, अच्छी बात है. फाइनल कार्ड, टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी, जजमेंट लिब्रा एनर्जी. शैडो साइड टेम्परेंस का कार्ड है. आप अगर किसी को ये सोचते हैं कि आप किसी को हील कर रहे हैं, और मतलब किसी को बहुत हील कर रहे हैं, किसी को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, किसी की लाइफ में आप पॉजिटिविटी भर रहे हैं, बट आपके अंदर वो चीज़ें उनमें ना आप के लाइफ में कोई बैलेंस है, आप खुद डीमोटिवेटेड हो, आप अनहील्ड हो, आपकी तकलीफ है, ठीक है. सबसे पहली बात, आप अगर दूसरों को हील कर रहे हो ना, तो उनसे भी कुछ सीखो. अपनी हीलिंग भी आपको खुद ही करनी है यार, कोई नहीं आएगा. आपने बोला था ना, आपको उठाने के लिए कोई नहीं आएगा. आप ऐसी पूरी ज़िंदगी पड़े रह जाओगे, लेकिन कोई नहीं देखेगा, कोई मुड़ के देखता भी नहीं है आजकल. आजकल तो क्या ही सिचुएशन पता है क्या है, कोई डॉगी घायल हुआ है, किसी को चोट लगी है. डॉगी क्यों यार, इंसान का एक्सीडेंट हुआ है, ज़मीन पर पड़ा है, लोग वीडियो बना रहे होते हैं उसकी, क्यों यूट्यूब पर डालनी है. कोई उसको उठा के हॉस्पिटल नहीं लेके जाता, कोई पूछता भी नहीं है कि तुम ठीक हो, टाइम ही नहीं है. फ़ौरन फ़ोन निकालते अपना स्मार्टफोन एंड वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे भी यूज़ की, और लिखते भी हैं कैप्शन में अच्छी तरीके से कि इस पर्सन की मदद किसी ने नहीं की. अरे तू क्या कर रहा है, पहले तू खुद को तो देख ले. तू खुद वीडियो बना रहा है और वीडियो में बोल रहा है, फिर लोग कमेंट में झमझम बौछार करते हैं कि तूने कौन सा उखाड़ लिया, तूने कौन सा उसको हॉस्पिटल में पहुँचाया, शॉर्ट्स में डाल रहे हैं वीडियो में. एक बार भी तो तू उसके करीब नहीं गया, दूर से वीडियो ही तो बना रहा है और कह रहा है कि देखो भाई हो, ये कितना, ये इसको चोट लगी है, ये इसका एक्सीडेंट हुआ है और इसको कोई भी नहीं लेके जा रहा है. कहने का मतलब आप समझ रहे हम क्या कहना चाहते हैं. कोई किसी को नहीं उठाता, कोई किसी को उठाने वाला नहीं आता. अगर आप गिर गए हैं, आपको खुद ही उठना पड़ेगा, फिर उठ के आपको चलना भी पड़ेगा. बहुत रेयर होता है कि कुछ लोग आके पूछेंगे, आपको पानी पिलाएंगे या फिर आपकी हेल्प करेंगे, बट दुनिया बहुत निर्दयी हो गई है. कलयुग है ना, निर्दयी. कर्मा बिलीवर्स ऐसे नहीं है, लेकिन आप किसी से उम्मीद भी तो नहीं कर सकते ना, इसलिए हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी से. यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है, हीलिंग कर रहे हो आप किसी और की, पहले खुद हील हो जाइए, ठीक है. किसी और को हील करते करते आपके अंदर भी तो थोड़ी सी हीलिंग वाली वाइब्स आनी चाहिए, लेकिन आप अपने आप को भूल जाते हैं, आप ओवर गिविंग, बैलेंस नहीं है ना. इस कार्ड का मीनिंग क्या होता है, टेम्परेंस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस. आप दूसरों को हील करते करते अपना बैलेंस खो देते हो, ठीक है.
आप बहुत गिविंग एनर्जीज में हो, बहुत गिविंग 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 गिविंग, वो बैलेंस बिगड़ जाता है। शैडो साइड में वर्क करना है, उस इम्बैलेंस को फटाफट अपनी लाइफ से दूर करना है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल हो, आपका मेंटल स्टेट हो, आपका इमोशनल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, हर माइंडसेट आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। और वो बैलेंस कैसे आएगा, बैलेंस कैसे आएगा, बगल फड़फड़ाने से खुद ही लाना पड़ेगा आपको बैलेंस, समझना पड़ेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा चीज़ों को बहुत। देखो टाइम लगता है हर चीज़ को समझने में, तो समझो चीज़ों को, आपके साथ कौन अच्छा है कौन बुरा है इतना तो समझ में आता है ना। एक दिन में आप किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन आजकल तो लोग कर भी लेते हैं, एक दिन में क्या, एक मिनट में जज कर लेते हैं, देखते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, ठीक है, लेकिन क्या पता वो वैसा हो ही ना, वो अलग हो, लेकिन आपने उसको गलत मिस जज किया। हम तो चाहते हैं कि जितना दूर रहें लोगों से, हर चीज़ से, क्या ज़रूरत है यार, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है, माँ बाप भाई बहन खुद के नहीं हो रहे यार, आप दूसरों से क्या उम्मीद करोगे, कोई सगा नहीं है, सब मतलब मौका परस्त। जैसे ही आप, आपसे काम होगा ना, बहुत प्यार से मीठा मीठा बोलते हुए खुद ऐसे 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 करके आएंगे आपके जीवन में, फिर आपको बोलेंगे हाँ कैसे हो, क्या हाल है, वो पूछना आपका, आपके लिए कोई कंसर्न नहीं है, काम है भाई, काम है, कोई ना कोई काम है। जैसे ही आपने उनका काम किया, उसके बाद वो पलट के देखते भी नहीं है, ना ही आपको पूछेंगे। अगले दिन आप मरे पड़े रहोगे ना, तब भी नहीं, उनको ना कोई फ़र्क पड़ेगा, ना पता करने आएंगे कि आप तो है ही नहीं दुनिया में। अगली बार जब ये होता है, ये हो सकता है कि जब उनको पता, तब पता चलेगा जब दूसरी बार काम होगा ना, तब आपको मैसेज करते फिरेंगे, फिर भाई ये तो है ही नहीं, पर सब सुधार गया। तब हमने बोला ना, ये दुनिया बहुत जालिम हो गई है, जालिम। हाँ ये हम अभी ना इसका आउटकम ढूंढ रहे थे कि आपको करना क्या चाहिए इस दौरान पर, क्योंकि कार्ड्स, 5 कार्ड्स ले लिए हैं, रीडिंग ख़त्म है, शैडो साइड पे वर्क करने के लिए। हल इसका ये है, जजमेंट दो, ठीक है, जस्टिस आपके हाथ में होना चाहिए, बट यू शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड फेयर इनफ, बिकॉज यू हैव टू बिकम द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर आप मेल हैं तो किंग ऑफ सोर्ड्स लगा देना अपने आप को, लेकिन पुरानी साड़ियाँ बेचनी है किसी को, बेचो। तो किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आपको रहना है, अगर आप अपने आप को सुरक्षित देखना चाहते हैं, कोई भी शैडो साइड में नहीं, आपका वीक नहीं पड़े, जिसमें बैलेंस बना रहे। उसका एकमात्र इलाज किंग और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आ जाना, यानी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी में कोई दिखावा नहीं करती है, क्वीन और किंग ऑफ सोर्ड्स कोई दिखावा नहीं करते हैं, जो होता है मुँह पे, ठीक है, कोई प्रिटेंड नहीं, कुछ नहीं, जजमेंट देना है, फेयर जस्टिस मुंह पे, ठीक है, वो जस्टिस प्रिय होते हैं, फेयर होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग और बोल्ड पर्सनैलिटी होते हैं, जो मुंह पे वही, दिल में जो मुंह पे वही भी बोल, वो नहीं होता कि मुंह पे राम और बगल में छुरी, कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स वैसी नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव टू टेक द बोल्डेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ योर सेल्फ। कोई आपकी तरफ से आपके फेवर में कोई स्टैंड भी नहीं लेगा, और ना ही आपकी कोई आके मदद करेगा, ठीक है। तो हर काम आपको खुद ही करना है, लेकिन कैसे, किंग और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में रह के। भाई आपका शैडो साइड, देखा किंग ऑफ कप्स तभी आया था, हमने बोला था ना इमोशनल साइड को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, बहुत इमोशनल है, बहुत ओवर गिविंग है, लोग आते हैं छील के निकल जाते हैं, है ना, कब तक मटर बने रहोगे, कब तक। मटर भी भाई सर्दियों में आती है, गर्मियों में मटर मिलता नहीं है, सफल मटर फ्रीज़र में फ्रीज करके रखते हैं, है ना, छिले छिलाए होते हैं वो मटर सफल के तो आपको कौन सा मटर बनना है, सफल का या वो जो छिलके में आता है। पर मटर बनना ही क्यों है, हैं, ज़रूरी है क्या छिले जाना आपको, हैं, इतना शौक है आपको अपने आप को छिलवाने का गलत बात है, ठीक है, ये गलत बात है, ओके। तो चलो, शैडो साइड की ये रीडिंग रही आपकी, और हमने सोचा था हम 10-15 मिनट की रीडिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 44 मिनट्स दिखा रहा है टाइमर पे,
अरे इतना एक्सप्लेन करना पड़ता है हमको, तो बोलते बोलते पता है बहुत थक भी जाते हैं, पर क्या करें। और अगर आपको लगता है ना कि किसी ने लिखा था, कमेंट पे लिखा था किसी ने कि वीडियो को लंबा करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, अरे भाई हमारा वीडियो हमारा चैनल, ठीक है, इस चैनल के हम ओनर हैं, आई एम द फाउंडर ऑफ कर्मा बिलीवर्स फैमिली, हमें मत सिखाओ। वीडियो लंबी होती है हम और लंबा करेंगे, आपको नहीं देखना है दफा हो जाओ, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नहीं अच्छा लग रहा है, वीडियो पॉप अप हो रही है, रिकमेंडेशन पे आ रहा है, नॉट इंटरेस्टेड कर दो, नहीं देखो मत देखो यार, हम कर्मा बिलीवर्स के लिए वीडियो बनाते हैं, आपके लिए नहीं है। तो चलो हम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हमारा आशीर्वाद भर भर के है, दे दो भाई दे दो, थोड़ा सा दे ही दो, ठीक है, तो चलते हैं, और ख्याल रखिएगा अपना, डू गुड एंड सी वेरी गुड, एंड दुआएं दीजिए, ठीक है, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।